देखिए कितनी अच्छी नरम अंदर तक इसकी चॉकलेट है, फ्रेश बना के दे अपने बच्चों को। और एक बात का ख्याल रखिएगा, आपकी बहन हाजिर है आपकी खिदमत में। आज मैं मीठी चीज बना रही हूँ, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कुकीज विद चॉकलेट चिप। ये बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही इजी है, आप जिस वक्त चाहें घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने घी लिए, बटर 150 ग्राम, 100 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर लिया, 100 ग्राम मैंने व्हाइट शुगर लिए, 2 अदद मैंने एग लिए, रूम टेम्परेचर के आपने एग लेनी है, वनीला 1 टीस्पून, 2 कप मैंने मैदे के लिए और 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का लिए, 250 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है, 1 1/2 टीस्पून मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर का। ये जो मैंने बटर लिए मैं इसमें डाल दूंगी, शुगर डालूंगी, 100 ग्राम मैंने व्हाइट शुगर लिए और 100 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर का पाउडर लिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं बटर के अंदर। रूम टेम्परेचर के 2 एग इसमें डाल दूंगी, वनीला फ्लेवर डालूंगी, मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी। चलिए अब हम इसमें ये फ्लेवर डाल देंगे, 2 कप कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया हुआ है, ये जरा ब्राउन करने के लिए कोको पाउडर भी मैंने लिए, तो ये मैंने 1 टीस्पून लिए, मिक्स कर लेते। तैयार करके एक कर रखे वो इसमें डाल देंगे, देखिए ये मैंने चॉकलेट लिए और अब हम इसको बारीक बारीक काटते हैं और फिर चिप बना के उसके अंदर डालेंगे। ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी हमने ट्रे तैयार कर लिए, इस ट्रे को मैंने थोड़ा सा बटर लगा लिए, वैसे तो मैंने बटर पेपर भी रखा है, आप हाथों के साथ भी बना सकते हैं। ये मैंने आइसक्रीम स्कूप वाला लिया, इसके अंदर आप इस तरह 2 चम्मच डालिए, क्योंकि ये अभी सॉफ्ट है बहुत, तो हाथों को चिपकते हैं। अगर आप इसके साथ भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सारी कुकीज तैयार हो गई हैं, अब हम इसको ओवन में रखते हैं 20 मिनट के लिए। हमारी कुकीज कहाँ तक पहुंची है, अभी जरा काफी गर्म है, अभी ठंडी होने के बाद ये ऐसा भी हो जाएगी। चलिए जी हमारी चॉकलेट चिप कुकीज़ तैयार हो गई है, अगर इसकी डो अच्छी बनी हो तो बहुत ही जल्दी ये कुकीज़ बन जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी नरम अंदर तक इसकी चॉकलेट है, फ्रेश बना के दें अपने बच्चों को। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब कुकी की हम डो बना रहे होते हैं तो वो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, चाहे आपके हाथों को वो लग भी रही हो ना तो लगता है कि ये सही नहीं बनेंगी, लेकिन जितनी नरम डो होगी ना उतनी ज़्यादा अच्छी कुकीज़ बनेंगी। और इसके साथ ही मुझे अपनी बहन यास्मीन को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।